छात्रों, आज हम पुस्तकों का महत्व बताने वाले पाठ के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। यह पुस्तकें हमें अपने जीवन में आकार देती हैं। तो देखिए, यह पुस्तकें हम पढ़ते हैं तो पुस्तकें हमें बीते जमाने की बातें बताते हैं और आने वाले कल की भी बातें बताते हैं। इसलिए पुस्तकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो ऐसे पुस्तकों का महत्व बताने वाले पाठ के बारे में आज हम जानने वाले हैं। पाठ के लेखक है धर्मवीर भारती और पाठ का नाम है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो चलिए बच्चों, अब इस पाठ के बारे में जानते हैं। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। इनसे हमें न केवल नई नई जानकारियां प्राप्त होती हैं, बल्कि हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। इस पाठ में लेखक ने अपने पुस्तक प्रेम एवं जीवन में पुस्तकों के महत्व का वर्णन किया है। देखिए, ज्ञान में वृद्धि होती है, यानी हमारा ज्ञान बढ़ता है। तो चलिए इस पाठ में देखते हैं। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। देखिए, लेखक के बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। सुधारवादी आंदोलन यानी सुधार करने वाला। तो यहाँ पर जो उस समय का राज था वो अंग्रेजों का राज था। हमारे भारत पर अंग्रेज ही शासन था और इनको हटाने के लिए हमारे बहुत से लोग कार्य कर रहे थे। बहुत सी संस्थाएं थी जो अंग्रेजों के खिलाफ कार्य कर रहे थे, उसमें आर्य समाज भी था। इन्होंने अपने भारत के लोगों को जागृत करने के लिए, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए वो उनको प्रेरित कर रहे थे। तो देखिए, यह सुधारवादी आंदोलन जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। प्रधान का मतलब है मुखिया, जो समाज के निर्णय लेता हो, महत्वपूर्ण निर्णय जो लेता हो उनको मुखिया कहा जाता है, मतलब एक प्रमुख आदमी। यहाँ पर देखिए, प्रधान उसे कहा गया है। प्रधान मतलब क्या है? मुखिया। और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। देखिए, यहाँ पर स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पर इन्होंने क्या किया है, स्त्रियों की शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की है। तो देखिए, इनके पिता भी समाज सेवा कर रहे हैं और इनकी माता भी स्त्रियों की शिक्षण के लिए एक पाठशाला खोलकर इन्होंने समाज सेवा का कार्य किया है। तो देखिए आगे, पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बनी थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। यह भी एक सरकारी नौकरी करते थे। लेखक के पिता सरकारी नौकरी करते थे और सरकारी नौकरी में उन्होंने बहुत कमाया था। पर जब गांधी जी ने कहा कि सरकारी नौकरी का त्याग करो, आह्वान का मतलब है बुलावा या पुकार। तो देखिए, गांधी जी ने जब कहा कि सरकारी नौकरी का त्याग करो, अंग्रेजी की नौकरी मत करो, तभी उन्होंने क्या किया, पिताजी ने इन सरकारी नौकरी का त्याग कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ, देखिए, हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। सरकारी नौकरी का त्याग करने के बाद इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट, आर्थिक संकट आया हुआ था। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। आर्थिक कष्ट का मतलब है, आर्थिक कष्ट मतलब धन की कमी से होने वाली परेशानी या कष्ट, मतलब धन की कमी से होने वाली परेशानी या कष्ट, इसे ही आर्थिक कष्ट कहा जाता है। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। इतना होकर भी हमारे घर में नियमित रूप से पत्र पत्रिकाएं आती थी। तो इसमें आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, रोहिणी और दो बाल पत्रिकाएं आती थी। और इन बाल पत्रिकाओं में खास मेरे लिए बाल सखा और चमचम, बाल सखा और चमचम, यह दो बाल पत्रिकाएं
लेखक के लिए आती थी और आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, रोहिणी यह पत्रिकाएं इनके घर में आती थी। उनमें इस बार पत्रिकाओं में होती थी उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। रेखा चित्र का मतलब है रेखाओं से बनाए गए चित्र, इसको ही रेखा चित्र कहा जाता है। तो देखिए, खास लेखक के लिए बाल पत्रिकाएं आती थी, उनमें बाल सखा और चमचम, यह दो बाल पत्रिकाएं लेखक के लिए आती थी। और इन बाल पत्रिकाओं में होती थी परियों की कहानियां, राजकुमारों, दानवों, सुंदर राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र इसमें होती थी। तो रेखा चित्र का मतलब क्या है? रेखाओं से बने बनाए गए चित्र। मुझे पढ़ने की चाह हो गई, हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा सरस्वती और आर्यमित्र भी पढ़ने की कोशिश करता। घर में अन्य पुस्तकें भी थी, उपनिषद और उनके हिंदी अनुवाद। देखिए, उपनिषद यह संस्कृत में था और इसका हिंदी अनुवाद वो पढ़ते थे। सत्यार्थ प्रकाश यह स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा हुआ किताब है, उसको भी वो पढ़ते थे। सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे। देखिए, सत्यार्थ प्रकाश इसके खंडन मंडन वाले अध्याय यानी एक पक्ष को गलत और दूसरे को सही ठहराना यानी खंडन मंडन, और अध्याय यानी पाठ। तो सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मजा आता था। बार बार पढ़ने के कारण बाद में जब वो पाठ समझ में आते थे तब उनको पढ़ने में और मजा आता था, पर वो झट से नहीं समझ में आते थे ऐसे अध्याय, तो बार बार उसे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उनको पता चलता तब पढ़ने में बहुत मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, उनके चित्रों से सुसज्जित। देखिए, चित्र तो बच्चों को बहुत प्रिय होते हैं, अगर चित्र हो उस पाठ में तो पढ़ने में बहुत मजा आता था। और इनकी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, उनके चित्रों से सुसज्जित। स्वामी दयानंद के चित्रों से सुसज्जित यह किताब उनको पढ़ने में बहुत मजा आता था, वो उनकी प्रिय पुस्तक थी। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। देखिए, तत्कालीन यानी उस समय के, वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्ति थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थे उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन की जो घटनाएं थी वो लेखक के जीवन को बहुत प्रभावित करती थी। वो घटनाएं कौन कौन सी थी वो देखिए। चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। चूहा जब भगवान का प्रसाद खाता है तब मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। जब भगवान ही उस चूहे को भगा नहीं सकता तो प्रतिमाएं भगवान कैसे हो सकती है, ऐसे इनका मानना था। कि चूहे को भगवान का प्रसाद खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, ये सभी घटनाएं लेखक को बहुत प्रभावित करती थी। जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियां हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता था। रोमांचित यानी जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, ऐसे रोमांचित करता। देखिए, बहुत ऐसी घटनाएं थे उनके जीवन की, स्वामी दयानंद के जीवन की, जो लेखक को बहुत प्रभावित करती थी और इनमें ये सब बातें आते हैं। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा। माँ को चिंता थी कि यह साधुओं की किताबें ज्यादा पढ़ता है, स्वामी दयानंद सरस्वती की किताबें ज्यादा पढ़ता है, यह स्कूल की पढ़ाई नहीं करता, स्कूल की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा।
इसकी चिंता उसके माँ को थी। कहीं साधु बनकर घर से भाग गया तो? पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। देखिए, पिता को इस बात की चिंता नहीं थी, जीवन में यही पढ़ाई जो अभी वो कर रहा है, अभी वो पढ़ रहा है, वही उसकी पढ़ाई जीवन में काम आएगी, पढ़ने दो। स्कूल की पढ़ाई के बारे में चिंता उनके पिता को नहीं थी। देखिए आगे, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। देखिए, संगति यानी संग, बुरे। पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में, बचपन में ना समझ उम्र होती है। देखिए, उस समय जो संस्कार आप उस बच्चों पर करो, वही संस्कार उसके उसके आगे चलते हैं, वैसे ही उसके ऊपर संस्कार होते हैं। तो पिताजी नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। तो देखिए, पिता को यह चिंता थी कि वो बचपन में गाली गलौज ना सीखे, बुरे संस्कार ना ग्रहण करे, इसलिए वो उसको स्कूल में भर्ती नहीं करवाते थे। सभी उसको शिक्षा घर में ही दी जा रही थी, इसके लिए एक मास्टर रखे गए थे। देखिए आगे, अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। देखो, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा की पढ़ाई उसने घर पर ही की थी, घर पर मास्टर आते थे सिखाने के लिए। और जब देखिए तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ, दर्जा का मतलब है कक्षा, दर्जा का मतलब क्या है, कक्षा। तो तीसरी कक्षा में इनको स्कूल में भेजा गया। उस दिन शाम को पिताजी उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए लोकनाथ की दुकान से। ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि स्कूल की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। माँ को किस बात की चिंता थी, स्कूल की पढ़ाई नहीं करता, सिर्फ साधुओं की किताबें पढ़ता है, कई साधु बन गया और घर से भाग गया तो? यह चिंता माँ को सताती थी। और इसी चिंता को लेकर पिताजी ने एक वायदा उस लेखक से लिया, वादा लिया कि तुम स्कूल की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितनी तुम साधुओं की किताबें पढ़ता है। उससे प्यार से समझाया, लोकनाथ की दुकान पर ले जाकर उसे ताजा अनार का शरबत पिलाकर उसे प्यार से बताया कि तुम क्या करो, अभी स्कूल की किताबें भी अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ो और अपनी माँ की चिंता मिटाओ। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे दर्जे में मेरे अच्छे नंबर आए और पांचवें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। देखिए, उसके बाद पिताजी द्वारा समझाने के बाद वो इतने परिश्रम करने लगे, इतने पढ़ाई पर ध्यान देने लगे कि उनका पांचवें दर्जे में प्रथम नंबर आया। माँ ने आंखों में आंसू भरकर मुझे गले लगा लिया। पिताजी मुस्कुराते रहे, कुछ भी बोले नहीं। पिताजी को पता था कि किस वजह से ये इस कक्षा में प्रथम आया है, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए, वो खुशी के आंसू थे। अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में अंग्रेजी की 2 किताबें मिली, एक में 2 छोटे बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। अंग्रेजी की 2 किताबें मिली, एक में बच्चे घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हुए हैं और इसमें उनको जानकारी मिलती है पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें इस किताब के द्वारा मिलती है। और दूसरी किताब थी ट्रस्टी दरब, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी, वे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ भेड़ होती है, कहाँ शार्क होती है। तो देखिए, यहाँ पर 2 अलग अलग किताबें मिली हैं, एक पक्षियों के
बच्चे घोंसलों की खोज में कुंजों और बागों में भटकते हुए हैं, और वो क्या करते हैं, पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां और उनकी आदतों की जानकारी वहां पर प्राप्त होती है। और दूसरा जो किताब है ट्रस्टी द रॉक, इसमें पानी की जहाजों की कथाएं हैं, इसमें उनको जानकारी होती है कि वो जहाजें कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लादकर लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं वो माल, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, नाविक यानी वो जहाज चलाने वाले नाविक, वो नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, उन्हें कैसे कैसे जीव मिलते हैं, इन नाविकों को समुद्र में कौन कौन से जीव मिलते हैं, कहाँ वेल होती है, वेल मछली, वेल कहाँ होती है, कहाँ शार्क होती है, शार्क पता है ना आपको, शार्क मछली, शार्क कहाँ होती है, इन सभी चीजों की जानकारी उनको इस किताब के द्वारा मिलती है। इन दो किताबों ने मेरे लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया, पक्षियों से भरे आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। देखिए दो किताबें हैं, अंग्रेजी की दो किताबें मिली इसको, एक में पक्षियों से भरा आकाश और दूसरा है रहस्यों से भरा समुद्र। इन दो किताबों में ये जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। देखिए अलमारी में अपनी अपनी चीजें हटाकर उन्होंने जगह बनाई और लेखक को कहा कि यह तुम्हारी लाइब्रेरी है, इसमें तुम अपनी किताबें रखो। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी, इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। देखिए यहाँ से उस लेखक की अपनी लाइब्रेरी शुरू हो गई, आरंभ हो गई, इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। वो अनुभव क्या है वो हम दूसरे वीडियो में देखने वाले हैं। जितना भी हमने अब पढ़ा है उतना आपको क्या करना है, वाचन करना है।